जीत टीवी। गांव में एक कुम्हार रहा करता था। उसके पास एक गधा था और एक कुत्ता। कुत्ता दिन भर उसके घर की रखवाली करता और उसके मिट्टी के बर्तनों का ध्यान रखता, और गधा उन्हीं मिट्टी के बर्तनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता था। कुत्ते को बहुत प्यार मिलता था। कुम्हार उसे सहलाता था, उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाता था और गधे को डंडे पड़ते थे। बचा कुचा बेकार खाना मिलता था। गधा बहुत थक चुका था। वह कुत्ते से जलन करने लगा। वह कुत्ते से ईर्ष्या करने लगा। वह सोचता कि यह कुत्ता तो कुछ नहीं करता, दिन भर आराम करता रहता है, किसी के आने पर भौंकने लगता है, बिना बात के इधर उधर टहलता रहता है, मालिक के आने पर उनके पास जाता है, पूंछ हिलाने लगता है, उन्हें देखकर भौंकने लगता है, मालिक के ऊपर अपना एक पैर रखकर उन्हें चाटने लगता है। मालिक भी उसे ऐसा करते देखकर बहुत प्यार करते हैं। क्यों ना मैं भी कुत्ते की तरह बर्ताव करूं, मैं भी मालिक के आने पर उनके पास जाऊं, उन्हें देखकर आवाज निकालूं, उनके ऊपर अपना एक पैर रखूं, उन्हें चाटूं, तब शायद वो मुझे प्यार कर सकते हैं और मुझे मेरे इन भारी भरकम कामों से आज़ादी मिल सकती है। मैं भी दिन भर बैठकर अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा और कुछ काम नहीं करूंगा। गधा ये सब सोच ही रहा था कि तभी कुम्हार आ गया। कुम्हार को देखकर गधा ढेचू ढेचू करने लगा, पूंछ हिलाने लगा। कुम्हार को लगा कि मेरा गधा क्या कर रहा है। यह सोचकर वह अपने गधे के पास गया। उसने अपने गधे के पास जाकर जैसे ही उसकी ओर देखने की कोशिश की, गधे ने एक पैर उठाकर अपने मालिक पर रख दिया। वह कुम्हार गधे के नीचे दब चुका था। अब उसे लगने लगा कि शायद मेरा गधा पागल हो गया है। उसने एक मोटा डंडा उठाया और गधे को पूरी तरह पीटने लगा। बेचारा गधा ढेंचू ढेंचू आवाज कर करके जोर जोर से चिल्लाने लगा। कहाँ वो कुम्हार का प्यार पाने की कोशिश कर रहा था और कहाँ अब उसे मार पड़ रही है। बहुत बुरा हुआ। बताओ यह कहानी आपको क्या सीख देती है? यह कहानी बताती है कि व्यक्ति को किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए और किसी और का काम किसी और को करने देना चाहिए। अगर हम किसी और का काम करने लगेंगे तो निश्चित ही उसमें कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। गीत टीवी।